दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज जन्माष्टमी है और हम अभी खड़े हैं इंदौर राजबाड़ा क्षेत्र में। ये राजबाड़ा चौक है और अभी यहाँ पे फोर व्हीलर पूरी तरीके से बंद कर दिए आना, क्योंकि यहाँ पे ख़ास मंदिर है श्री कृष्ण जी के। अभी हम महालक्ष्मी मंदिर के यहाँ पर खड़े हैं। अब हम बांके बिहारी जी मंदिर के उधर जा रहे हैं, आगे गोपाल मंदिर भी आएगा। देखिए अब ये राजबाड़ा है हमारे इंदौर के शान, जो हृदय स्थल भी बोला जाता है राजबाड़ा, इंदौर का हृदय स्थल राजबाड़ा। अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ। बांके बिहारी मंदिर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि शहर में जो पहले सूबेदार थे मल्हारराव होलकर, उन्होंने यहाँ राजबाड़े को आकार दिलवाया था। उसी के समीप उनकी पत्नी हरकुबाई साहेब ने कृष्ण भगवान को समर्पित बांके बिहारी मंदिर बनवाया था। मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण का विग्रह वृंदावन में बने बांके बिहारी मंदिर में स्थापित विग्रह की तरह होने के कारण मल्हार राव होलकर ने इस मंदिर का नाम ही बांके बिहारी मंदिर रख दिया था। तब से यह मंदिर इसी नाम से जाना जाते हैं। ये आप देख रहे हैं बांके बिहारी जी का मंदिर है ये राजबाड़े पे। आप आते हैं, किसी से भी पूछते हैं, कोई भी आपको यहाँ का पता बता सकता है, आप दर्शन करिए, बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे जन्माष्टमी भी उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन मथुरा में मनती है। यहाँ से कुछ कदम आगे बढ़ते ही गोपाल मंदिर आ जाता है। अब हम वहीं जा रहे हैं, चलिए आपको दर्शन करवाते हैं वहाँ के। भीड़ बहुत हो गई है यहाँ पे, गाड़ियों की आवाजाही बंद कर देते हैं इस दिन यहाँ पे। ये देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको पूरा कैंपस दिख रहा है, ये गोपाल मंदिर है। अभी यहाँ जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। राजबाड़े के पास में ये होलकरकालीन गोपाल मंदिर है। इसका निर्माण 1836 में कृष्णाबाई होलकर ने करवाया था। उस समय इस मंदिर के निर्माण पे केवल 80,000 रुपये का खर्च हुआ था और अभी यहाँ पर स्मार्ट सिटी कंपनी 2017 से अभी तक इसका काम चल ही रहा है। बीच में कोविड भी आ गया था तो करीब 17.5 करोड़ रुपये की लागत से इसका जीर्णोद्धार किया है और इसके मंदिर के जो ऊपर गुम्बज वगैरह है उसकी व्यवस्थित करके उसकी वाटरप्रूफिंग का भी काम किया है। अब हम अंदर मंदिर कैंपस में आ गए बोल सकते हैं। बीच में मंदिर है और आसपास भी आपको पूरा बताएंगे, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, पूरा लकड़ी का है वो। उसका जो जीर्णोद्धार हुआ है पूरा वैसा का वैसा ही हुआ है जैसा वो पहले था। इसके पहले जो बांके बिहारी मंदिर देखा है वो मंदिर भी पूरा लकड़ी का बना हुआ है। रात में ठीक से दिख नहीं पाया लेकिन आप आके देखते हैं तो बहुत अच्छी बारीक नक्काशी है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये देखिए ये पूरे यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ है और बिल्कुल सामने गोपाल मंदिर देख रहे हैं आप। ठीक ऐसा ही गोपाल मंदिर उज्जैन में भी स्थित है। उसका निर्माण भी होलकर राजवंश ने ही करवाया था। अभी स्वतंत्रता दिवस हमारा 75वां मना है, उसी की थीम पे यहाँ पे ऊपर देखिए आप गुब्बारे भी लगाए गए हैं तिरंगे में। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। बहुत से बच्चे हैं जो श्री कृष्ण का अवतार लिए आए हैं, उनको श्री कृष्ण जैसा तैयार किया है। इंदौर में कोई सा भी त्यौहार हो बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इंदौर देखा जाए तो सभी चीज़ों में आगे रहता है। देखिए आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी आप जो गुब्बारे देख रहे हैं वो भी तिरंगे के रंगों में ही लगाए हुए हैं। यहाँ पे करीब हमें 15 मिनट लगे दर्शन करने में। भीड़ थी लेकिन दर्शन बहुत अच्छे सुचारू रूप से हो रहे थे, दर्शन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, यहाँ वॉलंटियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ये देखिए आप दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ दर्शन होते हैं भगवान के। या आप साइड से मंदिर देख सकते हैं, पूरा काले पत्थरों का निर्माण है और ये जो पूरा चारों तरफ कैंपस बना हुआ है
ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है और ये इसके बीच में मंदिर है। जिस तरह से मैं बीच में बोल रहा था आपको कि इंदौर हर पर्व हर त्यौहार में बहुत आगे रहता है और बहुत अच्छे से मनाता है, अभी कोविड होने के कारण ये देखिए आप नक्काशी देखिए कितनी अच्छी है यहाँ पे। अभी कोविड होने के कारण करीब 2 साल या 3 साल से जन्माष्टमी का पर्व ठीक तरीके से मना नहीं पाए थे, इसलिए इस बार बहुत अच्छी तरीके से मनाया है। ये महालक्ष्मी जी मंदिर है जो राजवाड़ा है वहाँ पे। दोस्तों इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि होलकर रियासत के श्रद्धा का प्रतीक होने के साथ साथ समूचे इंदौर वासियों के लिए विशेष महत्व रखता है। 1833 में इस मंदिर का निर्माण राजा हरिराव होलकर जी ने करवाया था। उस समय यहाँ होलकर रियासत के दफ्तर में दाखिल होने से पहले अधिकारी कर्मचारी महालक्ष्मी मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करते थे। आपने अभी महालक्ष्मी जी के दर्शन किए, अब हम स्कीम नंबर 140 में अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पास में जो सांवरिया जी का मंदिर है वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, भजन चल रहे हैं, आप देख रहे लाइटिंग बहुत अच्छी की हुई है। ये देखिए श्री सांवरिया दरबार लिखा है यहाँ पे, पूरा वाटरप्रूफ टेंट लगाया हुआ था यहाँ पे। इसके बाद एक मंदिर और है इंदौर में बहुत अच्छा, श्री कृष्ण जी का, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ आपको दर्शन करवाएंगे। ये अग्रवाल कैंपस 140 स्कीम नंबर 140 और पिपलियाहना चौराहे से बाईपास के बीच में राइट हैंड साइड पे ये मंदिर आता है। अग्रवाल पब्लिक स्कूल के कैंपस में ये मंदिर है। यहाँ बहुत अच्छे भजन चल रहे हैं, श्रद्धालु बहुत सारे हैं यहाँ पे। एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई हुई है यहाँ पे और मंदिर का द्वार आप देख रहे हैं या मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पे पट बंद करी किए हुए थे जो कि कृष्ण जन्म के बाद ही खुलने वाले थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो श्रद्धालु दूर से आते हैं उन्हें दर्शन के लिए पट तो खुले होने चाहिए। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया जा रहा था, हमने भी इन्हें झूला झुलाया और फिर हम यहाँ से निकले। दोस्तों दर्शन यहाँ पे हमें नहीं हुए, हमें ठीक नहीं लगा, लेकिन ठीक है, क्या किया जा सकता है। यहाँ से निकलने के बाद फिर हम यहीं से थोड़ी दूर पर बाईपास से हम जा सकते हैं इस्कॉन मंदिर जो कि निपानिया में स्थित है। हम वहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ एक छोटा सा मेला लगा है, आप देख सकते हैं झूले दिख रहे हैं यहाँ पे, मिकी माउस भी दिख रहा है और श्रद्धालुओं की भीड़ बोल सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के झूले हैं, उनके खिलौनों की दुकानें लगी हुई है यहाँ पे, खाने पीने की दुकानें लगी हुई है। श्री कृष्ण जन्म होने में करीब आधा घंटा बाकी है। ये देखिए आप यहाँ से सभी का वेलकम हो रहा था, पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था अच्छे से संभाले हुए था। यहाँ पे कुछ खाने पीने के स्टॉल भी लगे थे। यहाँ से हम दर्शन करने जा रहे हैं और सामने से जो लोग आ रहे हैं वो दर्शन करके आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ से लाइन लगना शुरू हो गई थी मंदिर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पूरा वाटरप्रूफ टेंट लगाया हुआ है श्रद्धालुओं को बारिश से बचाने के लिए। इस्कॉन मंदिर का फोटो है। यहाँ से लाइन शुरू हो गई थी, बहुत देर तक हम यहाँ खड़े रहे, करीब आधा घंटा हमें लगा, फिर हम बिल्कुल मंदिर के सामने भगवान के सामने आ चुके हैं। यहाँ पे ही एक नाटक का मंचन भी चल रहा था। करीब 12 बजे का समय हो गया और श्री कृष्ण जी की आरती हो रही है, जन्मोत्सव शुरू हो गया है। सभी में देखिए आप श्रद्धालु बहुत अच्छी संख्या में है यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा उत्साह का माहौल है यहाँ पे। हम तीनों जगह गए, सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहीं पे है, देखिए आप आरती चल रही है अंदर और श्रद्धालु, कुछ श्रद्धालु नाच रहे हैं, कुछ श्रद्धालु ताली बजा रहे हैं,
बहुत से लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, हमने भी फ़ोटो खींचे, आरती में शामिल हुए। लाइटिंग बहुत अच्छी की हुई है यहाँ पे, और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव चल ही रहा है, देख सकते हैं आप। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जी का इस्कॉन मंदिर इंदौर में निपानिया में स्थित है। बहुत समय पहले की बात है, हम बहुत समय से इसी एरिया में रह रहे हैं, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, केवल मंदिर बना था हमारे सामने ही, उस समय हम आते थे। और आज हम आते हैं तो यहाँ पे कोई भी जगह खाली नहीं है, पूरी बस्ती बसाहट हो गई है यहाँ पे। देखिए आप दर्शन कर सकते हैं, आरती हो रही है भगवान की, बहुत अच्छा सजाया हुआ है यहाँ पे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव बहुत ही अच्छी धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक इस्कॉन मंदिर इंदौर में है, एक इस्कॉन मंदिर उज्जैन में है, यहाँ आसपास में दो इस्कॉन मंदिर हैं दोनों शहरों में। श्रद्धालु झूम रहे हैं, दर्शन कर सकते हैं आप भगवान के, आरती चल रही है यहाँ पे। बच्चों को श्री कृष्ण के स्वरूप में तैयार करके उनके घर वाले लेके आए हैं। बहुत से बच्चे हमें यहाँ पे दिखे जो श्री कृष्ण का अवतार लेके आए थे। देखिए यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है, भीड़ बहुत होने के कारण दर्शन करके सभी को दूसरे दर्शनार्थियों के लिए जगह बनाई जा रही थी। श्रद्धालु यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, देख सकते हैं आप। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छे से यहाँ पे जन्मोत्सव मना। आप भी आइए इंदौर, देखिए यहाँ पे किस तरीके से जन्मोत्सव मनता है। सब यहाँ पे दर्शन करने के बाद सबको बाहर निकाला जा रहा था मंदिर से, और दूसरे श्रद्धालुओं के लिए जगह बनाई जा रही थी। देखिए आप, उत्साह का माहौल है बिल्कुल। और जो नाटक का मंचन था, वो वहाँ के कलाकार भी यहाँ पे आके शामिल हो गए हैं आरती में। अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं। सभी जगह के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, सभी जगह के जो आयोजन थे बहुत अच्छे से, व्यवस्था वहाँ पे बहुत अच्छी थी। पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे से संभाला था, वॉलंटियर्स ने बहुत अच्छे से संभाला था, भीड़ को नियंत्रित करके रखा, सबको दर्शन ठीक से करवाए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देख लिया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी। और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। लाइक करिए, अपने मिलने वालों में शेयर करिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक जय श्री कृष्ण का एक कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें मालूम पड़ता है आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है। अब हम यहाँ से निकल रहे थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंदौर हर चीज़ में आगे रहता है, हर काम में, अच्छे काम में आगे रहता है। अभी कोविड में बहुत सारे लोग जो अपने घर जा रहे थे महाराष्ट्र से, उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हुई थी। जिन्हें रास्ते में कहीं पानी नहीं मिला, यहाँ पानी, खाना, चप्पल, कपड़े सब कुछ मिला। हर व्यक्ति ने अपने स्तर पर मदद की है। इंदौर के रहने वाले बहुत ज़िंदा दिल है। आप इंदौर आइए, आप इंदौर में देखिए किस तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो इंदौर में रिकॉर्ड बना था, सबसे पहले सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगवाने वालों में। अब हम यहाँ से वापस बाहर जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर मैं एक बार बोलूँगा आपको, ज़रूर कमेंट करें जय श्री कृष्ण का, लाइक करें, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी। दोस्तों मिलते ऐसे ही किसी बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं छोटी छोटी दुकानें, स्टॉल लगे हुए हैं। ये हम बाहर आ गए हैं,
यहाँ पे भी पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदी से लगा हुआ है। मिलते फिर से ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।